नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके खबरनामा। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी खबर इस समय की है यो के बगन लोर के प्राइमरी स्कूल वार्ड नंबर 5 पटिया इलाका है, वहां पर अध्यापक नहीं है, केवल एक ही अध्यापक है। वो प्राइमरी स्कूल को कैसे चलाएगा और वहां पर एक टीचर को वहां पर अटैचमेंट किया गया था, वो भी उसकी ट्रांसफर कर दी गई है। तो लोगों का कहना है कि हमें कम से कम 5 टीचर चाहिए, ना कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहते हैं कि जहां पर 5 अध्यापक होना जरूरी है। अगर आपके पास अध्यापक नहीं है तो आप हमें लिख के दीजिए कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम नहीं टीचर लगा सकते हैं वहाँ पर। उनका कहना है कि हमारे बच्चे दर बदर हो रहे हैं, एक मास्टर क्या स्कूल को चला पाएगा, नहीं चलाएगा क्या। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी स्कूल में किया है और आखिरकार उन लोगों का कहना है कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर 5 अध्यापक नहीं मिलते हैं, हम स्कूल को बंद कर देंगे और धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल का जो भविष्य है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। एक टीचर अध्यापक क्या 70-80 बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या सिखाएगा, क्या वो 70-80 बच्चों को संभाल पाएगा। एक डोगरी में कहावत भी है कि एक बाप 40 बच्चों को कैसे संभाल सकता है, वही आज कहावत देखने को सामने मिल रही है कि एक मास्टर 70-80 बच्चों को कैसे संभालेगा, कैसे उनको शिक्षा देगा, क्या वो शिक्षा दे भी पाएगा उन 70-80 बच्चों को या नहीं दे पाएगा। ये लोगों का कहना है कि लोग कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो वार्ड नंबर 5 बगलोर का स्कूल है उसमें अध्यापक दिए जाएं। कहीं ना कहीं हर जगह यही डिमांड है बच्चों की के टीचर ना होने के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब कठुआ राहुल पांडे से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन पोस्टों को फिलअप किया जाए और लोगों को राहत मिले और लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और लोग भी अपने बच्चों को अच्छी सुविधा और अच्छी एजुकेशन दे पाए। तो धन्यवाद, देखते रहे जगह खबर नाव पंकज शर्मा के साथ। अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। यही थी बगन लोर की अपडेट, बड़ी खबर के टीचर ना होने के कारण वहां पर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और कैसा उनका भविष्य चलेगा। जय हिंद, जय भारत। स्कूल के बारे बड़ी परेशानी रही है कि क्योंकि थे पहले से टीचर बड़ी मुश्किल करना स्कूल चलता, इस बेले 2 टीचर और इन अच्छे बच्चे चले जाते हैं, 40+ बच्चे ना इतने से क्या चाहते हैं कि JDO साहब अगर रिक्वेस्ट करने।